हेलो एवरीवन। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं कि एचटीएमएल के अंदर कैसे फ्रेम बनाए जाते हैं। पहले फ्रेम कैसे क्या होता है, किस तरह का दिखता है, जब तक आप विजुअली देख नहीं पाओगे तो कैसे आप समझो कि फ्रेम होता क्या है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर अपन एचटीएमएल कोडिंग करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रेम सेट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक फाइल बताता हूँ, उस फाइल से आपको पता चल जाएगा फ्रेम किस तरह का बनता है। देखो फ्रेम इस तरह का बन रहा दिख रहा होगा, तीन कॉलम दिख रहे होंगे, एक फ्रेम ये है, दूसरा फ्रेम ये है, तीसरा फ्रेम ये है, और ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है, फ्रेम सेट कहलाता है। ठीक है, इन पूरे फ्रेम सेट के अंदर तीन फ्रेम है, वन टू और थ्री फ्रेम है। ये कॉलम फ्रेम है क्योंकि कॉलम टाइप में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसे हॉरिजेंटल रहेंगे तो वो रो फ्रेम रहेंगे। रो वाइज फ्रेम भी बना सकते हो, कॉलम वाइज फ्रेम भी बना सकते हैं। आपके सामने कॉलम वाइज फ्रेम है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से अब इसको डिजाइन कैसे करेंगे और फ्रेम आता क्या यूज है। इसमें फ्रेम में अपन अलग अलग फाइल यहाँ पर दिखा सकते हैं। अभी मैंने दिखाया नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है फ्रेम, तीन फ्रेम बनाए और इसमें ब्लैंक है ये। ठीक है, किस तरह से अपन फ्रेम बनाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा, किस तरह से कोडिंग लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं और फिर अपन नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको सर्च में नोटपैड लिखना है, या प्रोग्राम के अंदर एसएसएस के अंदर नोटपैड होता है, वहां से ओपन कर लीजिए। नोटपैड यहाँ लिखा और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस यूज में आता है, किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज है वो बनाने के यूज में आता है। ठीक है, अगर आपने बेसिक ये नहीं सीखा तो आप कोई भी एडवांस वेबसाइट बनाना सीख नहीं सकते, तो इसके बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक ही है तो वो सिखाया जा रहा है आपको, तो वो आप समझिए कि किस तरह से अपन इसका मैं इस HTML कोडिंग से फ्रेम सेट तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले HTML लिख दिया, फिर मैंने बताया आपको हेड आता है तो मैंने यहाँ पर हेड लिख दिया, और इसके बाद टाइटल आता है। हेड में हमेशा टाइटल लिखा जाता है जिससे अपन को पता चल जाएगा अपन किस तरह का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो वो कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रेम सेट बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, फ्रेम सेट बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो ये फ्रेम सेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, और टाइटल को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, और ये हेड को भी मैंने यहां पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा अधिकतर प्रोग्राम करते आए वो बॉडी में करते आए, प्लस अब इसमें बॉडी में नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेम सेट टोटली उस वाइट फ्रेम पर तैयार होता है, बॉडी पर तैयार नहीं होता है, इसलिए आपको बॉडी नहीं लिखना है क्योंकि खुद ही एक तरह से बॉडी है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट खुद ही अपने आप में एक बॉडी है, इसलिए आपको बॉडी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, फ्रेम सेट टैग से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर नीचे क्या लिखना है, फ्रेम सेट लिखना है, बॉडी तो आएगा नहीं तो ये आपको मैंने यहां पर लिख दिया फ्रेम सेट। ठीक है, और यहां पर मुझे कॉलम फ्रेम बनाने हैं। ठीक है, तो रो भी बनाकर बताऊंगा, कॉलम भी बनाकर बताऊंगा। फिलहाल अपन क्या ले लेते हैं, कॉलम वाले फ्रेम्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा कोल्स, फ्रेम सेट कोल्स यानी कॉलम बनाने हैं, इसलिए कोल्स लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब कितने कॉलम बनाने हैं, मुझे तीन बनाने हैं, और उसमें क्या होगा कि एरिया जो डिसाइड होगा वो परसेंटेज से डिसाइड होगा। जैसे मैं तीन कॉलम बनाना चाहता हूँ, एक में 25% का बनाना चाहता हूँ, पहला वाला कॉलम कितना बने, 25% बने यानी 100% टोटल होता है, तो पहला वाला कॉलम बन गया मैंने 25%, दूसरा वाला कॉलम मैं बना रहा हूँ 75% का, और तीसरा वाला कॉलम बना रहा हूँ वापस 75, नहीं ये मैं 50 कर लेता हूँ, ये 50% कर लेता हूँ, और तीसरा वाला कॉलम भी मैं बना रहा हूँ 25% का। ये तीन कॉलम मैंने इसमें से बना लिए, अब ये इनका काम फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो फ्रेम बना रहे हैं तो इस फ्रेम के अंदर आप कौन सी फाइल्स डालोगे वो इसमें अपन को लिखना है, क्योंकि फ्रेम का नाम भी डिक्लेयर करना, मेमोरी नेम भी देना पड़ता है,
तो सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रेम जो 25% वाला है उसका नाम दे रहा हूं मैं फ्रेम नेम। नेम कुछ भी दे दो, एनीथिंग, पर नेम देना जरूरी है क्योंकि कोई ना कोई वो फ्रेम मेमोरी में जाकर सेव होता है कहीं ना कहीं पर, तो उसको नेम डिफाइन करना है। एनीथिंग नेम्स, कुछ भी नेम दे दो, फ्रेम नेम लिखा आपने इक्वल टू करके कोई भी नेम दे दो, जैसे मैं N1 यानी नेम वन लिख देता हूँ, या कुछ भी आप एनीथिंग्स, ठीक है, अपना खुद का नाम भी लिख दो, कुछ भी एनीथिंग्स यहाँ पर लिख सकते हो N1 की जगह, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नेम तो आ गया मेरा, अब इसमें मुझे क्या करना है, उसमें कौन सी फाइल कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए SRC होता है पाथ देने के लिए, कौन सी फाइल आपको इसमें रखना है, उस फ्रेम में रखना है। फिलहाल मैं अभी कोई फाइल नहीं रख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा SRC से होता क्या है, ठीक है। फिलहाल मैं एक फ्रेम बन गया मेरा, अब इस फ्रेम को क्लोज भी करना होता है, तो आप इस फ्रेम को इस तरह से यहाँ पर फ्रेम को क्लोज कर सकते हो। एक और तरीका, इतना बड़ा लिखने के बजाय, जैसे मैंने ये फ्रेम को बंद करा फर्स्ट वाले फ्रेम को, इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ स्पेस दो एक, और यहाँ पर एक स्लैश लगा दो, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि ये यहाँ पर क्लोज हो गया है। बात ये कि ये ऐसे लिखो आप फ्रेम को, जैसे मैंने टाइटल को लिखा इस तरह से बंद करा, ठीक है ना, तो या आप इस तरह से इसको बंद कर सकते हो, फ्रेम लिखकर और इस तरह से बंद कर दो तो भी सही है, और ये नहीं लगाओगे क्योंकि यहां पर मैंने ये लगा दिया है, ठीक है, तो ये बात एक ही, इसको फ्रेम को मैंने यहां से क्लोज कर दिया है। देखो ये, देखो स्लैश, ये जो है ना ये स्लैश यहां पर वर्किंग कर रहा है, तो ये या तो ये लगा लो तो ये हटा दो, ठीक है, और अगर ये लगा रहे हो तो ये हटा दो, तो दोनों में से एक रख सकते, तो बेटर ये लगता है कि आपने पीछे स्लैश लगा दिया, ठीक है। दूसरा फ्रेम बना रहा हूं मैं, फ्रेम का बना नहीं रहा हूं, फ्रेम का नाम दे रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने नेम दे दिया, इसको N2 नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनीथिंग्स, N2 दे दिया मैंने, ठीक है। और SRC बाद में पाथ रखें, बाद में कौन सी फाइल रखते हैं, SRC लिखना है, SCR नहीं लिखना, SRC लिखना है, ठीक है, इक्वल टू, और ये मैंने यहाँ पर और ये स्लैश लगा दिया, ये दूसरा फ्रेम का डेटा इसमें सेट हो जाएगा। तीसरा फ्रेम ले लेता हूँ मैं, तीन फ्रेम बनाए मैंने, ठीक है, तीन फ्रेम बनाए मैंने यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैं N3 दे देता हूँ। आपको जब कंपाइल होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर फ्रेम सेट को बंद कर देता हूँ, देखो फ्रेम तो बंद हो गए पर फ्रेम सेट बंद नहीं हुआ अभी, तो फ्रेम सेट को यहाँ पर बंद कर, क्योंकि वहां पर मैं इसको स्लैश लगा बंद नहीं कर सकता क्योंकि इसका वर्किंग यहाँ चल रहा था, इसी के अंदर चल रहा था, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ही बंद करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और ये मैंने HTML बंद कर दिया। अब इसको मैं क्या नेम देकर इसको सेव कर लूंगा, जैसे मैंने इसको नेम दिया, फाइल के अंदर जाकर मैंने सेव करा, ठीक है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैं दे देता हूँ फ्रेम सेट ही दे देता हूँ, फ्रेम सेट, ये मैंने इसका .HTML ये नाम दे दिया, और इसको मैंने क्या करा सेव कर दिया, ठीक है। ये सेव होने के बाद आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लो, या यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख दो सीधा, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये खुल गया। फाइल फाइल ऑल्ट एफ में जाओ, ऑल्ट एफ प्रेस करो फाइल मेन्यू, ठीक है, उस पर ओपन पर क्लिक करें, ये ओपन पर क्लिक कर देंगे, और इसको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्राउज पर क्लिक, देखो मेरे नाम की फाइल है फ्रेम सेट, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और ओके, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता चुका किस तरह से ओपन किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो तीन फ्रेम बन गए आपके सामने, ठीक है, पर आपने देखा होगा डेटा का कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा हर फाइल पर। अब आपको क्या करना है, उन फाइल का पाथ देखना है। SRC जो मैंने दिया था, जो एट्रीब्यूट यूज करा था, जो एट्रीब्यूट, देखो एक तो नेम एट्रीब्यूट यूज करा था जिसमें N1 नेम तो दे दिया, पर SRC एट्रीब्यूट यूज करा था मैंने, पर उसमें SRC का पाथ नहीं दिया था कौन सी फाइल को कनेक्ट करना चाहते हो। तो अब मैं कैसे बताता हूँ आपको फाइल कैसे इसमें रखी जाती है, एक फाइल रखकर बताता हूँ आपको, तो इजिली समझ में आ जाएगा। सबसे बेस्ट है फाइल का पाथ कैसे कॉपी करें, लिखने के बजाय आप कॉपी कर लो उसको, बेटर रहेगा कि कहीं भी जरा सी भी गलती हुई तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, विंडो की जो कीबोर्ड में होती है, विंडो की जो कीबोर्ड में होती है, ठीक है,
जो विंडो की प्रेस करो और आर प्रेस करो तो रन ओपन हो जाएगा। विंडो की और आर, विंडो की कीबोर्ड के अंदर होती है, ठीक है, उसमें विंडो और आर प्रेस करो। देखो कंट्रोल होती है, ऑल्ट होती है, उसके पास में उसके बीच में विंडो की होती है, कंट्रोल ऑल्ट के पास में विंडो है, इस पे एक स्पेस बार होती है, ऑल्ट होती है कंट्रोल, उसके पास में विंडो की होती है। विंडो प्रेस करके आर प्रेस करोगे तो रन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, ब्राउज करना है, ठीक है, ब्राउज करना वो फाइल जो आपको इसमें अटैच कर सकते हो। अब अटैच वही फाइल रखना है आपको जो एचटीएमएल फाइल हो, जो एचटीएमएल फाइल हो। देखो मैं रखता हूँ ई ड्राइव में, जो कल आपको एक बताया था मैंने आपको कि मार्कशीट कैसे बनाते, टेबल वाला वर्क बताया था, वो अटैच करते। तो ये मैंने देखो ई ड्राइव में सेव है, तो ई ड्राइव ले लिया, और यहाँ पर आपको और फाइल करना जरूरी है, तभी वो फाइल दिखेगी। किस नाम से, मार्कशीट नाम से है, वो एचटीएमएल फाइल है, तो वही लेनी है आपको एचटीएमएल फाइल। देखो ये मार्कशीट नाम की एचटीएमएल फाइल, दूसरी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वाली फाइल नहीं ले सकते आप, एचटीएमएल फाइल ही लेना है आपको। ये मार्कशीट ले ली मैंने और ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका पाथ आ गया लिखा हुआ पूरा, ठीक है, ये पाथ आ गया, इसको सेलेक्ट कर लो और इस पर इसी पर राइट क्लिक करो या कंट्रोल सी प्रेस कर लो, कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस करो, कंट्रोल सी प्रेस कर लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, क्लिक करो और यहां पर क्या करो, कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। तो देखो वो फाइल्स का पाथ आ गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, वापस रन पर क्लिक करो, ये देखो रन यहाँ पर आ रखा है, या विंडो आर प्रेस कर लो जैसे आपको सूटेबल लगे, विंडो की और आर प्रेस करो, दूसरी फाइल अटैच कर देता है। चलो एक कंपाइल करके बता देते हैं आपको, इसको बंद करता हूँ मैं, इसको कंपाइल करके बताता हूँ कि कैसे ये फाइल आएगी। फाइल के अंदर सेव कर दिया मैंने और इस पर क्लिक करा और इसको रिफ्रेश यानी F5 प्रेस करा, तो देखो ये फाइल आ गई जो कल बनाई थी। कल मैंने आपको बताया था टेबल कैसे तैयार करते हैं, तो टेबल तैयार करने वाला मैंने आपको बताया था। देखो ये फाइल यहाँ पर कनेक्ट हो गई है, ऐसे अलग अलग फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। SRC में आपको बस पाथ देना, क्या करना है, SRC में आपको पाथ देना है। अब ये दूसरे जो फ्रेम है उसमें भी अपन पाथ दे देते हैं, विंडो आर प्रेस करते हैं, ठीक है, रन ओपन हो जाएगा, ब्राउज करते हैं, और जो भी फाइल है डेस्कटॉप पर भी कुछ फाइलें पड़ी है तो मैं डेस्कटॉप से भी ले लेता हूँ। ऑल फाइल करना जरूरी है, नहीं तो वो फाइल दिखेगी नहीं। देखो यहाँ पर ये माय फर्स्ट नाम से भी फाइल हैडिंग नाम से भी फाइल हैडिंग ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप का पाथ आ गया, इसको क्लिक करो और कंट्रोल सी कर लो आप, कंट्रोल सी करके यहाँ पर रखो, ठीक है, और कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। पर आपने डिनोट करा होगा, देखो इसमें दो इन्वर्टर्स कॉमास आ गए हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना, एक हटा दो इसमें से, ये हटा दिया मैंने और पीछे से भी एक हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको देखो फाइल को सेव करता हूँ, तो डेस्कटॉप के पास बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए अपन को पाथ कॉपी करना बेटर रहता है लिखने के बजाय, ठीक है। और यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का गया और F5 प्रेस करा फंक्शन की, F5 रिफ्रेश करने के लिए। तो ये हेडिंग वाला बताया था मैंने आपको, ठीक है, हेडिंग कैसे तैयार करते हैं वो आपको बताया था। तो ये प्रोग्राम यहां पर आ गया, तो इस तरह से अपन तीसरा फाइल पाथ भी रख देता हूं आपको, इजीली आपको समझ में आ जाए। विंडो आर प्रेस करा, वापस आपको क्या करना है, ब्राउज करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑल फाइल जरूर करना, और भी डी ड्राइव में फाइल है वो रख लेते हैं। डी ड्राइव में जो फाइल है इंटरनेट की फाइल है जो बनाई हुई है वही फाइल आपको रखनी है, तभी दिखेगी, ठीक है। तो इंटरनेट की फाइल देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी है, इस नाम से है, ऑर्डर नाम से, ऑर्डर लिस्ट बनाया था अपना, हाँ ऑर्डर नाम से, ये ऑर्डर करेंगे, ओपन करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है, हो ओपन कर दिया इसको, ओके नहीं करेंगे, उसको कॉपी करना था मुझे, विंडो आर प्रेस करा वापस मैंने, ये देखो आर यू एस है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, ओपन नहीं करना, ओके नहीं करना, बस कॉपी करना है। और यहाँ पर मैंने ये पाथ कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें एक इन्वर्टर्स कॉमास है और पूरी फाइल आ गई है। अब आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करना है और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर रिफ्रेश यानी F5 प्रेस करना है। तो देखो जो भी फाइल बनाई वो फ्रेम के अंदर आ गई है, आ गया होगा आपको समझ में कि क्या करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको मैंने बताया कि ये तो कॉलम फ्रेम है, रो फ्रेम भी बताया था मैंने आपको, रो फ्रेम भी बना सकते हैं। तो रो फ्रेम क्या करना, फिर सिंपली आपको क्या करना, नोटपैड में जाना है और यहाँ कॉल्स लिख रखा है, यहाँ पर लिखना आपको रोज, ROWS, बस ये आपको लिखना है और फाइल के अंदर सेव पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, आकर रिफ्रेश करना F5।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि रो वाइज कॉलम फ्रेम कैसे होते हैं, कॉलम वाइज फ्रेम कैसे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल आसानी से इजी तरीके से बताया, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, आप इजीली बना सकते हो बिना एरर के। ठीक है, एक एक चीज कंपाइल करी, एक एक चीज समझाया मैंने आपको, जिससे आपके गलत नहीं हुए और आपको एक एक चीज समझ में आया कि फ्रेम सेट क्या होता है। फ्रेम सेट पूरा बॉडी होती है और उसके अंदर अलग अलग फ्रेम बना होता है, तो क्या यूटिलाइज होता है फ्रेम, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बॉस जितने भी फाइल्स आप उनको अलग अलग रूप में दिखाना है और उसको रखना है, तो अपन क्या किसका यूज कर सकते हैं, फ्रेम सेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन होता है। और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।